हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। यानी यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें कौन कौन से साइन देखे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वह फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके लिए हम साइंस को पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से साइन है, तो हम साइंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सबसे पहला साइन है प्रिजम्प्टिव साइन, जिसे अनुमानात्मक साइन बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबल साइन यानी संभावित संकेत। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइंस, यानी इससे निश्चित है कि यह फीमेल प्रेग्नेंट है। बात करते हैं अपन प्रिजम्प्टिव साइंस की। एक एक करके हम सभी साइंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिजम्प्टिव साइंस पढ़ लेते हैं, जिसमें आता है अनुमानात्मक संकेत यानी अनुमान से बताना। नेक्स्ट, जिसे अपन याद रखने के लिए प्रिज्म का उपयोग करेंगे, जिसमें पी का मतलब होता है पीरियड का एब्सेंट होना, यानी बस इस फीमेल में एम साइकिल आना बंद हो जाती है, जिसे एमनोरिया ट्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रियली फटिग या ट्राइड, यानी वो फीमेल होगी जिसमें थकान महसूस होने लग जाती है। नेक्स्ट एनलार्ज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना। नेक्स्ट है सोर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में सोर दिखाई देना। नेक्स्ट है यूरिनेशन इंक्रीज, यानी फीमेल को बार बार यूरिन आता है। ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं प्रिजम्प्टिव साइन के अंदर, कि अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वह फीमेल प्रेग्नेंट है। और नेक्स्ट साइन है मूवमेंट ऑफ फिटस इन यूट्रस, यानी यूट्रस जो रहता है फीमेल का, उसमें मूवमेंट का फील होना फीटस के। वुमेन प्रेसेसिव फ्लूटर्निंग सेंसेशन इन हर लोअर एब्डोमन, यानी मूवमेंट का फील होना लोअर एब्डोमन में, तो उसे अपन क्यूकनिंग के नाम से जानते हैं। क्यूकनिंग कैन अकर एट 16 वीक फॉर सेकंड टाइम मॉम्स एंड अराउंड 20 वीक्स फॉर फर्स्ट टाइम मॉम्स। यानी यदि कोई फीमेल पहली बार माँ बनने वाली है तो उसमें जो क्यूकनिंग यानी मूवमेंट ऑफ फिटस होता है वो 20 वीक पर महसूस होने लगता है, और जो यानी बच्चा लात मारता है 20 वीक पर। और यदि वह दूसरी बार माँ बनती है तो ये 16 वीक पर ही महसूस हो जाती है, जिसे अपन मूवमेंट ऑफ फिटस यानी क्यूकनिंग के नाम से जानते हैं, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चे ने लात मारी ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो साइन देखने मिलता है इमेसिस एंड नोजिया, नोजिया एंड इमेसिस। इमेसिस का मतलब होता है जी घबराना, और इमेसिस का मतलब उल्टी आना, नोजिया का मतलब होता है जी घबराना। जैसे साइन देखे जाते हैं यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट बार या कभी भी, तो उसमें ऐसे साइन देखे जाते हैं जिसे अपन अनुमानित साइन बोलते हैं, जिसमें पीरियड का एब्सेंट हो जाना, थकान हो जाना, ब्रेस्ट की साइज का बढ़ जाना, यूरिनेशन इंक्रीज होना, और इमेसिस यानी वो उल्टी आना था जी घबराना, जैसे साइन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रोबेबल साइन के बारे में, जिसे अपन संभावित संकेत के नाम से जानते हैं। प्रोबेबल साइन कौन कौन से होते हैं, प्रोबेबल साइन में वो सारे साइन देखे जाते हैं या टेस्ट देख सकते हैं अपन, सारे टेस्ट जो एक डॉक्टर या नर्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है किस फीमेल के द्वारा घर पर ही किया जाता है, उसमें वो जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का टेस्ट किस जिसे बोलते हैं, वो पॉजिटिव आता है। अब साइन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हैगर साइंस। अब हैगर साइन किसे कहते हैं, तो यह इसे प्रेगनेंसी की 6 से 10 सप्ताह की अवधि के मध्य ऑब्जर्व किया जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हैगर साइन को कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपको बताना है 6 से 10 सप्ताह की अवधि के मध्य ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें क्या होता है लोअर यूटराइन सेगमेंट, यानी जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है उसे लोअर यूटराइन सेगमेंट बोला जाता है, का अत्यधिक सॉफ्ट एंड थिन होना, अत्यधिक सॉफ्ट एंड थिन होना हैगर साइन कहलाता है। हैगर साइन किसे कहा जाता है, तो लोअर यूटराइन सेगमेंट का अत्यधिक सॉफ्ट एंड थिन होना हैगर साइन कहलाता है, जो कि एक प्रेगनेंसी का संकेत है। नेक्स्ट है पाल्मर साइंस। पाल्मर साइन किसे कहा जाता है, तो भाई मैनुअल परीक्षण के द्वारा यानी उंगलियों के से माध्यम से जो वेजनम जो परीक्षण किया जाता है उसके द्वारा, एंड भाई मैनुअल परीक्षण के द्वारा यूट्रस के रेगुलर एवं रिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचनों को महसूस करना ही पाल्मर साइन कहलाता है। भाई मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा जो यूट्रस के जो रिदेमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको महसूस किया जाता है, इसे पाल्मर साइन बोला जाता है। इस साइन को गर्भावस्था की 4-60 सप्ताह की अवधि के दौरान डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है या मेजर किया जाता है, 4-8 सप्ताह की अवधि में, ठीक है, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन का महसूस होना। नेक्स्ट है गुडेल साइन। गुडेल साइन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो पूछा जाता है गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स का सॉफ्ट होना। सर्विक्स का सॉफ्ट होना कौन सा साइन कहलाता है, गुडेल साइन कहलाता है। प्रीमियर गर्विडा में यह लगभग 6 सप्ताह पर उपस्थित हो जाता है, 6 वीक पर आ जाता है, जबकि मल्टी गर्विडा में
थोड़ा और जल्दी देखा जाता है। गर्भवती महिला की सर्विक्स जो रहती है मुंह के होठ यानी लिप्स ऑफ माउथ जैसी परिस्थिति होती है गुडल टाइम के अंतर्गत। प्रीमी गर्विडा का मतलब होता है वह महिला जो पहली बार माँ बनने वाले और मल्टी गर्विडा का मतलब वह जो एक पहले कभी माँ बन चुकी है अब दूसरी बार बनने वाली है। ठीक है, तो ये साइन देखे जाते हैं। नेक्स्ट साइन की बात करें तो नेक्स्ट है जैकुमियर साइन क्या होता है। वेजाइनल वाल के चारों तरफ वीनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण म्यूकोसा का रंग ब्लूइश हो जाना जैकुमियर साइन कहलाता है। एंड जो वेजाइनल कलर होता है वो ब्लू हो जाना है ब्लू हो जाना जिसे जैकुमियर साइन बोला जाता है और इसे ही चैडविक साइन के नाम से जाना जाता है जो कि एक इंपॉर्टेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है ओसिएंडर साइन किसे कहा जाता है। यह साइन लगभग 8वें सप्ताह पर उपस्थित होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण लेटरल फोर्निसेस में बढ़ी हुई धड़कन पल्सेशन महसूस होना ओसिएंडर साइन कहलाता है। ये सारे साइन देखे जाते हैं प्रोबेबल साइंस के अंतर्गत यानी संभावित साइंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है प्रेगनेंसी की पता करने के लिए। नेक्स्ट एनलार्ज यूट्रस यानी इसमें क्या होता है यूट्रस बड़ा हो जाता है तो अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आउटलाइन ऑफ फिटस कैन भी पालपेट यानी फिटस के जो पार्ट होते हैं उनको पालपेट के द्वारा महसूस करना। नेक्स्ट ब्रोक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन देखे जाते हैं और एक्सटर्नल बेलोटमेंट इसमें क्या होता है गुब्बारे जैसा यूट्रस होना यानी एक तरफ हाथ लगाया जाता है तो फिटस दूसरी तरफ चला जाता है जिसे अपन गुब्बारे के समान साइन बोलते हैं। उसके बाद हिक्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉजिटिव साइंस की यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है जिसका फिक्स बता देना कि हाँ ये 100% श्योर है कि ये फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसे अपन पॉजिटिव साइन के नाम से जानते हैं जिसे अपन याद रखने के लिए फिटस का इस्तेमाल करेंगे। फिटस से एफ का मतलब होता है फिटल मूवमेंट फेल्ट बाय डॉक्टर्स और नर्स। फिटल मूवमेंट यदि यूट्रस की फीमेल का यूट्रस में फिटल मूवमेंट हो रहे हैं और उसे नर्स का डॉक्टर ने ऑब्जर्व कर लिया है तो 100% श्योर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिटेक्टेड फिटल हर्ट साउंड। अब यदि फीमेल है उसके यूट्रस में बच्चा है और उसमें हर्ट विकसित हो चुका है तो उसकी हर्ट साउंड को सुन सकते हैं ड्रॉपलर के सहायता से। नेक्स्ट द डिलीवरी ऑफ द बेबी अल्ट्रासाउंड डिटेक्टेड द फिटस यानी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है कि यूट्रस के अंदर एक जीवित बच्चा है या अजीवित बच्चा है। नेक्स्ट सी विजिबल मूवमेंट्स ऑफ द बेबी बाय द डॉक्टर ऑफ नर्स यानी डॉक्टर और नर्स पता लगा लेती है किसी उपकरण के माध्यम से कि इसमें जो फिटस है वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये सारे साइन जो है वो पॉजिटिव साइंस है। इस प्रकार अपन ने कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कौन कौन से साइन देखे जाते हैं वो सारे साइंस के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करी है। तो आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।